हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी फर्स्ट क्लास हूं और अभी फ़िलहाल मैं उड़ीसा में हूं और मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूं मेरा ट्रेन जर्नी, जो कि हमने फलकनामा में थर्ड एसी में बुक किया था। 29 जून को मैं निकली थी और यहाँ पर पहुँची 30th को, और लगभग फलकनामा में ना 18 समथिंग आवर्स ऐसे लगता है। बाकी जो भी मैंने ट्रैवल किया है विशाखा में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और तो किसी ट्रेन में मैं नहीं आई हूँ हैदराबाद से यहाँ तक। लेकिन ना ज़्यादा टाइम लगने से भी ट्रेन का ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगता है। हम व्यू को देखते रहते हैं और देखिए सुमित कैसा मज़ा ले रहा है, और पास में जो अंकल बैठे हुए वो उनके साथ बातें कर रहा था, सभी सवाल पूछे जा रहा था। हमारी ट्रेन 3:55 PM आफ्टरनून में शुरू हुई, फिर हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 10:15 को पहुँचे खुर्दा रोड में। खुर्दा रोड मेरा मायका है, तो वहीं पे ही मेरे पापा का हाउस वार्मिंग का सेरेमनी था, इसलिए मैं आ रही थी। और देखिए मेरा भाई गुगुल है, ये मुझे लेने के लिए गया था, और दूसरा भाई चिन्नू वहाँ पे बैठा है ना, वो हैदराबाद में जॉब करता है। तो हम तीनों आ रहे थे, और ये सुमित तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। छोटा छोटा हिल्स था, फिर पॉन्ड्स था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये सभी हम फ्लाइट में जब भी आते हैं ना तुरंत पहुँच जाते हैं, देखते तो हैं ऊपर से सारा व्यू, छोटे छोटे जो बिल्डिंग्स होते हैं, फिर माउंटेन, फिर फॉरेस्ट, वो सभी छोटे छोटे करके दिखते हैं। लेकिन ना ट्रेन का ट्रैवल बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहता है, और हम कुछ खाने पीने की चीज़ें भी जो आते हैं वो सारा तो पेंट्री कार्ड से वही हम खरीदते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा हॉकर्स आते थे, लेकिन आजकल तो वो नहीं है। फिर भी ट्रेन में जो भी मिलता है बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए हमने तो लंच खा के आ गए थे, फिर वही शाम में थोड़ा सा स्नैक्स लिए थे, आलू चॉप ऐसे, और बहुत सारा स्नैक्स जैसे कि कुरकुरे वो सभी ले आए थे। सुमित को ना ज़्यादा सर्दी लग रही थी, और ना उसका स्कार्फ में लाना भूल गई थी एक्चुअली। इतना ज़्यादा ना जब भी कुछ जाते हैं ना कुछ मैं भूल ही जाती हूँ, और उसको वहाँ पे जो मिलता है ना सारा कम बेडशीट वगैरह वही उसको उड़ा के बैठा देती। बहुत ज़्यादा सर्दी था, उसको पहले से ही सर्दी था, मेडिसिन तो ले रहा था फिर भी सर्दी था। और ये अभी शाम हो गई थी और वो मोबाइल देख रहा था, मोबाइल में गेम। फ्रेंड्स, किस किस को ट्रेन का ट्रैवल अच्छा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि लॉन्ग जर्नी और फिर हम मज़े ले लेकर आते हैं। और ये देखिए सुबह भी हो गया था, हम सुबह उठ गए थे। मेरा ना मिडिल वाला सीट था, सुमित और मैं मिडिल वाला सीट ना अच्छा नहीं लगता, फिर भी क्या करें, किसको सीट जो मिलता है वहीं पे सोना पड़ता है। और सुबह सुबह हम उठ गए थे और ऐसे देख देख के आ रहे थे। और घर आ रहे थे ना, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट, इतनी ज़्यादा खुशी। आप लोग एंजॉय कीजिए। Thank you.
और ये देखिए खुर्दा रोड जो कि मेरा मतलब मायका है, तो हम पहुंच गए खुर्दा रोड का स्टेशन और एक ओपनिंग हुआ है, लेकिन वो उस दिन हम वहाँ पे 31 को हम निकले ना, तो पहुँचे 31 को ही, 1 को एक्चुअली था, तो वो वाला नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि वो इनाग्रेशन नहीं हुआ था, ओल्ड स्टेशन से ही हम निकले। और ये देखिए खुर्दा रोड का स्टेशन, मार्केट से होकर ये पूरा मतलब क्या बोलते हैं दुर्ग है उसका बनाया गया है खुर्दा रोड स्टेशन हमारा। दूसरा जो न्यू स्टेशन भी बहुत सुंदर बना है, और जब मैं जाऊंगी ना आपके साथ शेयर करूंगी। फिर मार्केट से होकर थोड़ा सा स्वीट लेना था, स्वीट लेकर आ गई। घर पहुंचने वाले होते हैं ना तो कितना ज़्यादा खुशी रहता है, और उड़ीसा में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है एज़ कम्पेयर टू हैदराबाद। ये देखिए मार्केट, यहाँ पर इसका काम चल रहा है, कब से चल रहा है, कब ख़त्म होगा पता नहीं। अरे हम ऑटो से जा रहे थे, मेरे भाई और मैं और सुमित, ये हम घर की तरफ जा रहे हैं, पहुँच गए घर। फिर शाम को ना मार्केट में गई थी मेरे बहन के साथ, थोड़ा ज्वेलरी शॉप गई थी, और एक आइसक्रीम पार्लर भी ओपनिंग हुआ था वहाँ पे हम गए थे आइसक्रीम खाए। तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। जो भी न्यू है चैनल में, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लेना। फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।